मुख्यमंत्री घोषणा 2019 लागू कराओ, मुख्यमंत्री घोषणा 2019 लागू कराओ। दी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां फैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से वेतन संबंधी खामियां दूर करने को लेकर के कर्मचारियों ने वीरवार को चौटाला हाउस के सामने स्थित चौधरी देवीलाल पार्क में एकत्र होकर के धरना दिया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन को मंत्रियों और विधायकों को सौंपा। धरना और प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान भगवंत शर्मा ने की। भगवंत शर्मा ने कहा कि वेतन संबंधी खामियां दूर करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पैक्स कर्मचारियों के वेतनों में खामियों को देखते हुए वेतन में अवलोकन करने के लिए विभागीय कमेटी का गठन 2018 में ही कर दिया था। कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया और 2019 में रिपोर्ट तैयार कर विभाग व सरकार को सौंप दी गई, लेकिन इसके बावजूद आदेश भी आज तक जारी नहीं किए गए। घोषणा को याद दिलाने के लिए 2019 से लेकर के आज तक कई बार कर्मचारी रोष प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन 2019 की घोषणा के आदेश तक किसी भी प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। पल पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। नाम दयाल सिंह पवार जी, जिला प्रधान टैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा। यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए? इकट्ठा जी, हमारे स्टेट लेवल पर फैसला लिया गया है कि जो हमारी 2019 में मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी वो अभी तक आज तक लंबित है, उनको मनवाने के लिए राज्य स्तर पर फैसला लिया गया कि 12 तारीख से लेके और 9 तारीख तक राज्य स्तर पर हर जिले में वाइज, एक एक जिले वाइज जितने भी MLA विधायक हैं उनको हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, जो उनके मार्फत मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचेगी। और आज बाकी और कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा? ना, और कोई कार्यक्रम नहीं है जी, सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन है और ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम विधायकों के मार्फत। पहले तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की कोठी पर जाएंगे जी, उसके बाद में रणजीत सिंह जी के, अभय सिंह चौटाला जी के, केरवाड़ा शिषपाल केरवाड़ा जी के पास, अमित शाह के पास और गोपाल जी कांडा। बस आज का इतना ही कार्यक्रम? हाँ, इतना ही कार्यक्रम है जी। पांचों विधायकों के पास आप जाओगे या? पांचों विधायकों के वहाँ उनके ऑफिस में हम जाएंगे। पांचों विधायकों के डब्बाड़ी जाओगे फिर? ना, डब्बाड़ी नहीं जाएंगे। डब्बाड़ी शिषपाल जी केरवाड़ा, जो मान लो ये अमित जी स्याग है, उनकी रिहायश यही है सिरसा के डॉक्टर के वी सिंह कोठी, और शिषपाल जी केरवाड़ा है जो विधायक कालावाड़ी है, उनकी भी रिहायश यहाँ तमर जी कोठी के साथ है, और सांसद जो है सुनीता दुग्गल है उनकी कोठी भी है, वहाँ भी हम मांग पत्र देने जाएंगे। दुष्यंत जी चौटाला है उप मुख्यमंत्री, उनको भी हमें ये ज्ञापन देंगे। रानिया से रणजीत सिंह जी चौटाला है, उनको हमें ज्ञापन यहाँ उनकी कोठी में देने जाएंगे। अभय सिंह जो चौटाला है अलनाबाद विधायक जो है, उनको हम ज्ञापन उनकी कोठी में देने जाएंगे। सिरसा से गोपाल जी कांडा है, उनके जो गोपाल जी कांडा है उनको हमें ज्ञापन उनकी कोठी में देने जाएंगे। बाकी निर्णय फिर अभी किसके बाद होगा? हाँ, तो नौ नवंबर तक जिला स्तर पे अलग अलग जिलों में हमारे ये धरने प्रदर्शन इसी तरह चलेंगे और ज्ञापन। पहला चरण 12 अक्टूबर सिरसा का क्रमवार बारी है, तो आज से हम सिरसा से हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले अपना परिचय। मैं भगवंत शर्मा, राज्य प्रधान पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और राष्ट्रीय महासचिव पैक्स कर्मचारी संघ भारत। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारा कार्यक्रम पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा के कार्यक्रम अनुसार ये कार्यक्रम है। पहले चरण में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019 के अंदर घोषणा की थी, उस घोषणा में हमारे जो छठे वेतन आयोग में खामी का मामला था वो खामी दूर करने बारे, और जिला सहकारी बैंकों में हमारी पहले 50% कोटा पदोन्नति का था जो कि घटा करके सरकार ने 10% का आदेश जारी किया गया और उसमें शर्त लगा दी गई। हमारी मांग है वो शर्त हटा करके ये पदोन्नति है वो आदेश जारी किया जाए, और उसमें ये जो मामले हैं ये 2019 की घोषणा है, आज 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सरकार या विभाग के जो अधिकारी हैं केवल बैठक पे बैठक कर रहे हैं, किसी प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। इसलिए पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा ने इस सभी नकारात्मक रवैये की बदौलत पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा ने यह फैसला लिया है 12 अक्टूबर 2023 से लेकर के और 9 नवंबर तक जिला स्तर पर अलग अलग जिले वाइज
पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा जिला स्तर पे सभी विधायक जो है उन सभी को हम अपना मांग पत्र उनके जरिए मुख्यमंत्री को देंगे और 9 नवंबर के बाद अगर हमारी मांग और मुद्दे नहीं माने गए तो 21 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव चंडीगढ़ किया जाएगा। आज 12 अक्टूबर 2023 को सिरसा जिला की आज ये क्रमवार बारी है तो इसमें हम पांचों के पांचों विधायक जो है सिरसा में उन सभी को हमें ज्ञापन देंगे।